1989 में एक बड़े कन्वेंशन में जो साइन किया और दस्तखत किए चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से, फिर 10 साल के बाद इसकी तोसी की गई। हम समझते हैं यहाँ कानून तो एक एक्ट बनाया गया 2016 में, लेकिन जब हम अपनी मुआशरे को देखते हैं, जो छोटे 7 साल के या टीन एज के जो बच्चे हैं, इस मुआशरे में ये लाखों की तादाद में, कहीं होटलों में, कहीं गैरेजों में ये काम कर रहे हैं। बहुत से दफ़ा हमने देखे हैं कि कचरा भी उठाते हैं वहाँ, सरमायादार लोग, बड़े लोग अपने रोटियाँ फेंकते हैं, ये भी उठा के बेचारा खा जाते हैं। हम मुआशरे की तामीर करने में बहुत हद तक नाकाम रहे। अगर एक गरीब का बेटा किसी एक्सीडेंट में उसके 6 बेटे रह गए और बाप शहीद हुआ, किसी धमाके में 100 बंदे मर जाते हैं, बाकी जो बेवा और अपनी उनकी बच्चियां होती हैं, इनकी कफालत के लिए हमने कोई मंसूबा नहीं बनाया। इसकी वजह से कहीं ऐसे लोग जो मुआशरे को बिगाड़ना चाहते हैं, अफरा तफरी और अनार्की की माहौल पैदा करना चाहते हैं, वो इन्हीं बच्चों को उठा के इनकी तरबियत करते हैं, इनको ब्रेन वॉश इनकी करते हैं, यही लोग खुदकुश बनते हैं और पूरे मुआशरे को डैमेज करते हैं। ये रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, सिर्फ निशानदेही करना हमारा जिम्मेदारी नहीं है। हम इन बच्चों को कहीं गैरेज में, कहीं होटलों में देख के वहाँ से हम उठाते हैं, फिर इनको कहाँ रखें? इसलिए पिछले साल भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक बेहतर विजन के साथ एक समरी भेजी थी, उस पर काम नहीं हुआ। हम समझते हैं कि इन बच्चों को जो लाखों की तादाद में है, इनका एजुकेशन हमारी जिम्मेदारी है, इनकी नशोनुमा हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ ब्रिगेडियर रजाक साहब ने, यही बच्चे हैं जो एक बेहतर उन्होंने होम केयर के टाइप पे इनकी इस तरीके से तरबियत कर रहे हैं, एक माँ को उन्होंने दिया है 10 बच्चे, और वो बेहतर तरीके से वो स्कूल और उनकी तालीम, उनकी सेहत के बारे में एक बेहतर तरीके से मैसेज दे रहे हैं। अगर हम इस पैमाने को नज़रअंदाज करें, जो सोशल वेलफेयर की जो रिकमेंडेशन है इसको नज़रअंदाज करें, तो यहाँ हर गली में जो ब्लास्टिंग होगी, जो दहशतगर्दी, हम इसको रोक नहीं पाएंगे। हम सामने चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन उसकी तदारुक, जो बेसिक तदारुक है, उसके लिए हम काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये काम सिर्फ करारदाद और वफाक से डिमांड करना हर वक्त, कुछ हमारी सूबाई गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। इसलिए जाम साहब बैठे हुए हैं, इससे फ़ायदा उठाते हुए आने वाले वक्त में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो हमारा एक्ट है, इस पे अमल दरामद के लिए हमने एक बेहतर विजन की समरी भेजी है। उम्मीद है कि आने वाले बजट में आ जाएगा।